दानियाल बैरिस्टर थे, एक कामयाब वकील। बेटा तुमने क्यों इतने खतरनाक लोगों को अपना दुश्मन बना लिया? रबनवाज शाह का बेटा शामिल है इस गैंग रेप में। I would like to meet this girl. Is that possible? फिर एक दिन दानियाल ने मुझे बताया कि उन्होंने एक गैंग रेप केस लिया और उस केस को लेकर दानियाल बहुत सीरियस थे। नूरी से मिलने के बाद मेरा दिल हमारे मुआशरे के नाइंसाफियों पर इतना खफा हुआ कि मैं उसे इंसाफ दिलाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। वो उस लड़की को इंसाफ दिलाना चाहते थे। अच्छा, तो फिर आप दिलवाए ना मुझे इंसाफ, दिलाए मेरे मुजरिमों को सजा। मैं आपके कानून को उस रोज मानूंगी जिस दिन जहांगीर शाह को सजा मिलेगी। ठीक है, फिर मेरा आपसे वादा है, मैं उन तीनों को इतनी इबरतनाक सजा दिलाऊंगा अदालत से कि फिर कोई रईसज़ादा किसी और नूरी की तरफ आंख उठाने की कभी हिम्मत नहीं करेगा। साईं, आप जहांगीर शाह को सजा जरूर दिला दें। कई एकड़ जरूरी जमीन और 50 लाख रुपए मिले हैं। घटिया इल्जाम लगाते में शर्म आनी चाहिए। पर दानियाल के मुखालिफीन बहुत ताकतवर थे, उन्होंने दानियाल को बहुत प्रेशराइज किया, इस केस से अलग करने की कोशिश की। दानियाल ने किसी की नहीं सुनी। दानियाल की आंखों में एक जुनून था जोगिया, ना उन्होंने मेरी बात मानी, ना बाबा की, ना अस्पी की। मैं तुम्हें पागल और अहमक समझ रहा हूँ। समझाया था कि मत दुश्मनी लो इन खतरनाक लोगों से। हम सब कहते रह गए। मुझे देर हो जाएगी, मेरा इंतजार ना करना।